Hello everyone. Now this is your Didas Fitness Tutorial with me. Yes, this is a first class for you, the newspaper vocabulary for our tutorial. Yes, we are going to learn some new things about the newspaper vocabulary. First, we know them. Next, yes, this is a past of reader. पास्ट ऑफ रीडर कि रीडर एक अच्छा कैसे पहले बनना चाहिए, तो रीडर के लिए जो हमें अजम्पशन चाहिए, हमारा हार्ट, बुक, हमारा आईज और हमारा माइंड जो बहुत अच्छे से, तो एक न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए एक रीडर होना भी बहुत जरूरी है. तो एक अच्छा रीडर के लिए क्या है? यस, दिस इज द फर्स्ट थिंग, हम इसके बारे में जानते हैं. वी नो देम अबाउट इट. यस, मेनी टाइम्स वी आर द फाउंड इन आवर न्यूज़पेपर. यस, व्हाट इज द व्हाट मीन ऑफ दैट? दिस सम is regularly read, they know, but the some only verbally reading a newspaper, while the verbally reading a newspaper say just a overall scanning of them. So this is a scene, this Chhattisgarh, this is Bangladesh, yeah, the chief ministers and the Jammu and Kashmir. Yes, so aise hum kuch aur. अभी मैंने आज केवल आपके लिए केवल चार वर्ड के बारे में बात करी, चार ऐसे वर्ड जो आपको न्यूज़पेपर में दिखते हैं, तो लेकिन आपको उनके स्टैंड फॉर्म भी पता होने चाहिए. तो ओनली आज मैंने बात की कि ओनली फोर के बारे में. नेक्स्ट क्लास में हम आपके और भी ऐसी कोई वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज अ मेन फीचर्स इन आवर न्यूज़पेपर? नेक्स्ट, यस, फर्स्ट इज हेडलाइंस. हम हेडलाइंस देखते ही हैं, बिल्कुल देखते हैं और हमेशा देखते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि हेडलाइंस या टाइटल, अगर जिसको हम देखें अपियर टाइटल के, ये एक न्यूज़पेपर का एक एग्जांपल है. यू कैन सी आल्सो, सो एट द टॉप ऑफ द पेज एन आर्टिकल, आर्टिकल भी आप देख सकते हो, साइड में आपके आर्टिकल्स भी दिए हैं, पर्टिकुलर एक एक बंदे का दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो आपको फीचर्स कौन कौन से हैं. तो ऐसे ही कोई न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी है. अगर आप एक अच्छे लिसनर हो और एक अच्छे रीडर बनना चाहते हो या एक अच्छे एजुकेटर बनना चाहते हो, तो आपको ये चीजों को एप्लीकेबल करना ही पड़ेगा, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा अपने लाइफ में. अदरवाइज नहीं तो आप दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे. अगर बच्चे पेरेंट्स भी बैठ रहे हैं तो पेरेंट्स बच्चों के साथ, बच्चा अगर मोबाइल लिया है तो नहीं, आप उसको न्यूज़पेपर रीड करने के लिए प्लीज थोड़ा सा पुश कीजिए ताकि वो भी आपके साथ बहुत चीजें सीखे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यस, दिस इज अ कॉलम. कॉलम के बारे में हम जानते हैं कि कॉलम ऑल्सो हमेशा वर्टिकली प्रिंटेड होता है. ठीक है, जानते बहुत कुछ है सब लोग, लेकिन कभी बात नहीं करते. ठीक है, जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन कभी अप्लाई नहीं करते. तो यही बात है कि आपको, अगर आप जानते हैं तो प्लीज दूसरों को जरूर सिखाइए, जितना जानते हैं उतना सिखाइए. तो हम कॉलम की बात करें, कॉलम कभी कभी कॉलम साइड में भी आपका रिकवर होता है, और कभी जैसा आर्टिकल के पेजेस में भी कभी अभी आपका होता है, और फिर उसके बाद कॉलम कभी कभी पूरा होल पेज भी कवर करता है, ऐसा भी नहीं है. तो वो कॉलम के उसके सेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट फीचर देखें. यस, अभिछड़ी हम ऑलरेडी इसके बारे में भी जानते हैं कि द सेक्शन इन द न्यूज़पेपर अबाउट द पीपल हु हैव रिसेंटली डाइड. इस हम किसी का, अगर हमें डाइड सेक्शन भी अगर हमें इन्वॉल्व करना हो न्यूज़पेपर में, हमें डिक्लेयर करना हो, तो हम इस तरीके से करते हैं. तो पर्टिकुलर सेक्शन को बोला क्या जाता है, ये आपको पता होना चाहिए. तो दिस इज अ कॉल्ड एबिचुअरीज. नाउ नेक्स्ट, यस, बिजनेस सेक्शन इन द न्यूज़पेपर विद अ बिजनेस न्यूज. यस, कि बिजनेस सेक्शन में क्या होता है, जस्ट अ सिंपल वे कि ओनली बिजनेस न्यूज, ओनली वन एंड टू लाइन, एंड दी ऑल्सो आर इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम दी बिजनेस टाइकून. ठीक है, बिजनेस कहाँ बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसमें आपने अगर सेंसेक्स का अगर आपने एक सेक्शन देखा हो, वो बिजनेस लाइन में ही आपको मिलेगा. नाउ नेक्स्ट, यस, आई होप यू गॉट दी
वीक नेक्स्ट फीचर दिस इज अ कैप्शन. यस कैप्शन क्या होता है कि पिक्चर का एक एक्सप्लेनेशन रहता है और उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा हो कि पिक्चर से उसका मैच करना चाहिए. ठीक है कि व्हाट अबाउट दिस वन, जैसे पिक्चर है उसके बारे में अगर आप पिक्चर के बारे में कुछ लिखना है ऐसे मैचिंग कैसे लाइन जो पर्टिकुलर उसी पिक्चर को शो करो उसी को डिनोट करे तो इसी को कहते हैं होता है कैप्शन. कि कभी भी अगर इमेज के बारे में नीचे यदि जो सेक्शन होता है उसको हम कैप्शन कहते हैं. ठीक है नाउ नेक्स्ट. Yes, so thank you. So you'll be up learning with me on my YouTube channel. So keep watching on my YouTube channel. This is my YouTube channel link. Now thank you and bye bye.